नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे फेसबुक में पोस्ट शेयर कैसे करें। तो आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले फेसबुक ऐप को ओपन कर लीजिए। दोस्तों, पोस्ट शेयर करने से दो मतलब निकलता है। पहला कि आप अपना पोस्ट शेयर करना चाहते हैं या फिर आप किसी और का पोस्ट शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप किसी और का पोस्ट शेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो भी पोस्ट शेयर करना है आप उसको पहले फाइंड कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ से कोई एक पोस्ट फाइंड कर लेता हूँ, एक मिनट। चले सपोज दैट मैं इसी पोस्ट को शेयर करना है, तो हमको क्या करना है, शेयर पे क्लिक कर देना है सिंपल। और शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इसको व्हाट्सएप और अदर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर आप अपने किसी फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं इस तरह से, किसी एक को क्लिक करके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने फेसबुक पर शेयर करना, तो आपको बस शेयर नाउ पे क्लिक कर देना है। शेयर नाउ पे क्लिक करते ही आपका जो ये पोस्ट है वो आपके भी फेसबुक पर, आपके प्रोफाइल पे अपलोड, आपके फेसबुक अकाउंट से भी शेयर हो चुका था। हम अपने प्रोफाइल पे चलते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोस्ट था वो यहाँ से भी हमारे अकाउंट से भी ये शेयर हो चुका है। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आपने किसी और आपने जो अपलोड किया उसको शेयर करना चाहते हैं, जैसे ये जो पोस्ट है इसको हमको शेयर करना जो अपना है, तो यहाँ पर शेयर पे फिर इससे क्लिक करेंगे। और शेयर करने के लिए फिर वही चीज़ है, आप इसको मैसेंजर पे शेयर कर सकते हैं, अदर ऐप पे शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और एनीवेयर कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, किसी भी ग्रुप में यहाँ पर सिलेक्ट किया, देन पोस्ट पे क्लिक कर दिया और ये शेयर हो चुका। तो ये तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से फेसबुक पोस्ट को, अपना हो या किसी और का, शेयर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।